नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ विधानसभा से तीसरी बार बीजेपी की टिकट मिलने के बाद आज निवर्तमान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 कार्यालय पर परिवार और अपने समर्थकों के साथ पहले हवन किया, फिर वह बल्लभगढ़ के बीच बाजार से होते हुए अपने समर्थकों के साथ बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि आज फरीदाबाद में सबसे पहले नामांकन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नायब सिंह सैनी मूलचंद शर्मा के नामांकन में नहीं पहुंच सके। हालांकि मूलचंद शर्मा के नामांकन में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा के साथ पूर्व महामंत्री संदीप जोशी भी उपस्थित रहे। और जिसमें खड़े हैं यही देखिए, तो मैं कहता हूँ कि गांव को गति देने का काम करेंगे, जो बल्लड़ के विकास में गति देनी है उसको पूरा करने का। मंत्री जी, देखा गया है कि लगातार हमने लोकसभा में देखा काफी भारी मतों से जो है लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का बल्लभगढ़ से काम किया, तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरीके का? विधानसभा चुनाव होता है, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने के जनता जनार्दन वोट देती है, और जो आम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो वोट देता है, वही तय करता है जो हमारा लक्ष्य पार्टी का, उस चुनाव को हम लड़ेंगे। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति आप? जनता जान रहे, अभी 2 महीने पहले